काफी हिस्टोरिकल शहर है। बर्मिंगम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड जो एक सिटी है बर्मिंगम। बर्मिंगम के वासियों के मुताबिक वो अगर पाकिस्तान में नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें मिनी पाकिस्तान की सूरत में यहाँ पे भी एक पाकिस्तान मयसर है। अपनी कम्युनिटी के हिसाब से मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है और खाना ज़बरदस्त यहाँ पे, हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पे अपनों का है, मुसलमान है, हलाल है, तो सबसे फेमस यही है। जैसे मिनी लाहौर हो गया। जब से मैं पाकिस्तान से यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ अपनी एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये पाकिस्तान की सौगात है, इसे हमने यही नान कबाब को इसी तरीके से चलाया जहाँ पाकिस्तान में जहाँ जिस तरीके से खाया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी तरीके से यहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान में कामयाब है, इस तरह इंग्लैंड के अंदर बर्मिंगम के अंदर भी उसी तरीके से कामयाब है। ये पाकिस्तानी चौंसा मैंगो है। नहीं, बाकी लोग भी यूरोपियन आते हैं, कनेडियन आते हैं, जो अमेरिकन आते हैं, बहुत से कंट्री के लोग आते हैं। पाकिस्तानी आम बहुत मशहूर है, मैंगो बहुत पसंद करते हैं। यूँ तो पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन बर्मिंगम में आके और यहाँ पर जो रहने का अंदाज़ और तरीका कार है, उससे हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि हम वतन से बाहर हैं। मैं अगर आपको इस बर्मिंगम शहर के बारे में बताऊं तो बर्मिंगम शहर एक ऐसा है जिसकी गलियां, जिसकी बाज़ार, जिसकी चौराहें, वो रौनकें हमें पाकिस्तान से दूरी का एहसास ख़त्म कर देती हैं। बर्मिंगम में लगे इस मेले में पाकिस्तानी सकाफत की झलक हर सो नज़र आ रही है। नेज़ाबाजी देखिए जी, नेज़ाबाजी हो या घोड़ा डांस हो या कबड्डी हो, यह पाकिस्तानी सकाफत का एक अहम जुज समझा जाता है। मगर और बरतानिया जैसा मुल्क तो उसमें हमारे बड़ों ने हमने इसको आबाद रखा हुआ है ताकि पाकिस्तान की शान में, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हो, ताकि और लोगों को और कम्यूनिटी को पता चले कि पाकिस्तान के कौन सी ऐसी सकाफत है जिससे उसकी पहचान होती है। सबसे अच्छी तो ये नेज़ाबादी है। मैं नेज़ाबादी देखने के लिए आया था और ऐसा माहौल नज़र आ रहा था जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं। हमें यही लग रहा है कि हम अपने पंजाब टोबट एक से बैठे हैं। घोड़ा डांस और नेज़ाबाजी हमारी सकाफत का हिस्सा है, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं। आप अगर आलम रग चले जाएँ, आप लेडीपुर रोड चले जाएँ, आप स्टैफर रोड चले जाएँ, और अगर आप जो है वो पाकिस्तान के खानों का मज़ा स्पेशली लेना चाहते हैं तो आलम रॉक और हमारा लेडीपुर रोड ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको न सिर्फ उसका टेस्ट मिलेगा बल्कि आपको वो लोग भी वैसे ही मिलेंगे, और शायद पाकिस्तान में भी वैसे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे और ईद और शब बारात वैसे नहीं मनाई जाती जैसे इन जगहों पर मनाई जाती है। रोड्स ब्लॉक होती हैं, लोग बाहर निकलते हैं और वो समा होता है जो शायद अब पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आता। बर्मिंगम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, इसकी खास वजह यह है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आबादी है, आज़ाद कश्मीर से भी काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो कभी हम भूल जाते हैं कि हम बर्मिंगम में रह रहे हैं, क्योंकि इतनी सहूलियात हैं यहाँ पर, सहूलतें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में लगता है ये मिनी पाकिस्तान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जस्ट लाइक सिमिलर लाइक अनारकली, मैं लाहौर का हूँ तो मुझे तो ऐसे इधर फील होता है आके जैसे मैं अनारकली में लाहौर में फिर रहा हूँ। अपने लोग हैं सारे, अपनी जगह हैं, अपनी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ पाकिस्तान की जो आप बाय करना चाहते हो आप इधर आके बाय कर सकते हो। ये असल में सारे जो कपड़े हैं ये पाकिस्तान से ही बन के आते हैं, और इधर लोग हमारे पास जो लोकल भी हैं और यूके, ऑल ओवर द यूके से इधर आलम राग रोड पे आते हैं बर्मिंगम में शॉपिंग के लिए, तो पाकिस्तान के ही ज़्यादा कपड़े इधर बिकते हैं और क्वालिटी वाइज एवरीथिंग जो है पाकिस्तान से बेस्ट, और पाकिस्तान की कम्युनिटी इधर पाकिस्तानी कपड़े पहनना पसंद करती है, तो जैसे शादियों के लिए लहंगे वगैरह हो गए, पार्टी वेयर सूट हो गए, कैजुअल सेमी कैजुअल डिज़ाइनर क्लोज, बुक्स के डिज़ाइनर क्लोज, वो ज़्यादा इधर बिकते हैं, और ऑल ओवर द यूके इवन यूरोप से भी लोग इधर शॉपिंग के लिए आते हैं आलम राग रोड बर्मिंगम में।
हम 1964 में आए जब हम सिर्फ 12 साल की उम्र के थे अपने अब्बा के साथ, तो अब्बू यहाँ ही रहते थे पहले से, तो यहीं सेटल हो गए बस 52 ईयर्स से यहीं रह गए। हमारा बर्मिंघम मिनी पाकिस्तान कहलाता है और बड़े फ़ख्र से कहलाता है कि जो भी पाकिस्तान से आता है उसका वेलकम, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबका फ़िक्र से हो, हम उसको न सिर्फ यहाँ पर वेलकम करते हैं बल्कि हमारे जो आबाओ अजदाद ज़माने से यहाँ पर मुकीम हैं उन्होंने इस जगह को लोगों के लिए एक आसानी बना दिया कि जो भी पाकिस्तान या कश्मीर से यहाँ आता था वो हमारे उन लोगों के घरों में क़याम करता था, रहता था और फिर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करता था, और इसी आगाज़ ने लोगों के लाने को इसको मिनी पाकिस्तान बना दिया। अगर आप दूसरे लोकल इलाके में आप चले जाएं, तो वो हाई स्ट्रीट जो है बिल्कुल डेड है। हमारे लोगों ने, स्पेशली पाकिस्तानी ने आकर अपने इलाकों को इतना आबाद किया है कि बर्मिंघम का ऐसा इलाके हैं जहाँ पे ग्लासगो 3-4 घंटे में बस आती है और लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए, और फिर ये जो कपड़े हैं शादियों के लिए, पूरे यूके से लोग आते हैं यहाँ पे शादियों के कपड़े लेने के लिए, और कपड़े आते हैं पाकिस्तान से। तो एक तो हमारे जो कौम है ना अपने इलाके को भी आबाद कर रही है, और फिर पाकिस्तान में जो तजारती हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कर रही हैं। रोज़ाना हमारी जेब में छंटने वाले कॉइन्स जिनसे हम रोज़ाना खरीदो फरोख्त करते हैं, ये कॉइन्स भी इसी बर्मिंघम शहर की पैदावार हैं। दूसरी जानिब अगर किसी भी मुल्क की मजबूती को देखना हो, उसके बारे में जानना हो, तो उसकी मैशियत को देखा जाता है, और बरतानिया की जो मैशियत है उसमें एक बर्मिंघम जो शहर है इसका बड़ा किरदार है उसके अंदर। बर्मिंघम है, यहाँ का रहने का अपना मज़ा है, और बहुत खुशी से यहाँ पे ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। 1-2 साल इधर हो गया हमारा, तो हम सब पठान भाई और सब पाकिस्तानी इधर बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जाना मैंने मैनचेस्टर था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मुझे बर्मिंघम मूव होना पड़ा। मुझे कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी इधर की, लेकिन जब मैं इधर रहा तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे अभी मैं इधर का ही होकर रह गया हूँ।